वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल फार्माकोलॉजी टिप्स एंड ट्रिक्स। और आज का हमारे यहाँ टॉपिक है एंटी प्लेटलेट ड्रग्स। ओके सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, जो भी पहले नए हैं प्लीज लाइक शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। सो गाइज, एंटी प्लेटलेट ड्रग, ठीक है। तो इससे पहले हम समझ लेते हैं कि प्लेटलेट्स होती क्या है। प्लेटलेट्स लाइक हमने नॉर्मली सुना है कि जैसे आरबीसीज होती है, डब्ल्यूबीसीज होती है, प्लेटलेट्स होती है। कई बार हमने डॉक्टर्स के मुंह से सुना हुआ है कि प्लेटलेट्स की कमी हो गई है, प्लेटलेट चढ़ानी है, ठीक है। तो इस टाइप की कुछ बातें हमने ऑलरेडी सुन रखी है। तो एक्चुअली प्लेटलेट्स होती क्या है? तो प्लेटलेट एक तरह की सेल्स होती है जो कि ब्लड का कंपोनेंट है, एंड दीज आर ऑल्सो कॉल्ड द थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स का मतलब होता है कि थ्रोम्बस बनाने वाली सेल्स, ठीक है। नाउ इनका क्या यूटिलाइजेशन है, इनका क्या शेप होता है? तो जब भी बॉडी के अंदर या टिश्यू में कहीं भी इंजरी होती है, तो हमने देखा है कि थोड़ी देर बाद वहाँ पे क्लॉटिंग हो जाती है, ब्लड का निकलना वहाँ से बंद हो जाता है, ठीक है। ब्लड का निकलना क्यों बंद होता है? क्योंकि अंदर कुछ रिएक्शंस होती है बिटवीन द प्लेटलेट्स एंड द फाइब्रिन, ठीक है। तो जो फाइब्रिन होता है वो नेट बनाता है, और जो प्लेटलेट होती है उसके ऊपर स्टिक होती जाती है, उसके ऊपर पर आरबीसी स्टिक होते जाती है, इस तरह से वहाँ पे एक क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो प्लेटलेट जो है ये ब्लीडिंग को रोकने के लिए हेल्पफुल होती है, साथ में ये क्लॉटिंग करती है, ठीक है। नाउ अब यहाँ देखते हैं कि इसका एक्टिवेशन कैसे होता है, कौन है जो इसको एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब ये रेस्टिंग स्टेट पे प्रेजेंट है, ओके, यही इसका स्टेट फर्स्ट है। तो स्टेट फर्स्ट पे रेस्टिंग स्टेट में होती है। शेप की बात करें तो ये डिस्कॉइड शेप की होती है, राइट। मतलब डिस्क टाइप का इसका शेप होता है, प्लेट का टाइप का शेप होता है, राइट। नाउ इसके ऊपर आप यहाँ देख पा रहे हो कि इसमें यहाँ पर एडीपी रिसेप्टर प्रेजेंट है। कई तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे कि एडीपी रिसेप्टर, ग्लाइकोप्रोटीन 1B रिसेप्टर है ना, यहाँ 2B और 3A रिसेप्टर। इसके अलावा थ्रोम्बिन रिसेप्टर होते हैं, या फिर यहाँ पे थ्रोम्बोक्सिन रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से रेस्टिंग कंडीशन में प्रेजेंट होती है। अब यदि देखा जाए कि यदि यहाँ पर टिश्यू इंजरी हो गई है, कुछ लग गया है, राइट, तो टिश्यू इंजरी होने से इसको स्टिमुलस मिलता है। क्यों? क्योंकि जब टिश्यू इंजरी होती है तो वहाँ से निकलता है थ्रोम्बिन, और ये थ्रोम्बिन जो है इसको एक्टिवेट करता है, ओके। एक्टिवेट करने का मतलब है यहाँ पर जो इसका शेप है वो चेंज हो जाता है स्टिमुलस की वजह से। रेस्टिंग कंडीशन में जो प्लेटलेट प्रेजेंट थी, इसका शेप यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है, और ये हो जाता है स्फेरिकल शेप, ठीक है। स्फेरिकल शेप होने के साथ साथ जो एडीपी होता है ना, यहाँ पे आप देखा था एडीपी रिसेप्टर, एडीपी यहाँ से रिलीज होता है, साथ में कॉक्स वन एक्टिविटी, कॉक्स का मतलब होता है साइक्लोऑक्सीजिनेज वन एक्टिविटी इंक्रीज होती है। अब साइक्लोऑक्सीजिनेज एक्टिविटी इंक्रीज होती है, इसके साथ में थ्रोम्बोक्सिन भी यहाँ पे इंक्रीज होता है, राइट। एडीपी हमने बता दिया कि एडीपी रिलीज होता है। तो इस तरह के कुछ कन्फर्मेशन चेंजेस स्टेप टू में यहाँ पे होते हैं। अब आगे आते हैं स्टेप थर्ड की तरफ। स्टेप थर्ड में आपने देखा कि यहाँ पे एडीपी ऑलरेडी रिलीज हो चुका था, तो एडीपी एंड थ्रोम्बोक्सिन बाइंड टू देयर रिसेप्टर्स। एडीपी और थ्रोम्बोक्सिन जो है इनके रिसेप्टर से बाइंड होते हैं। बाइंड होने के बाद इंट्रासेलुलर कैल्शियम का लेवल यहाँ इंक्रीज होता है, ठीक है। साथ में इसको मैनेज करने के लिए पीडीई, ओके, फास्फोडाइस्टरेज एंजाइम, इसका लेवल भी इंक्रीज होगा, ओके। तो फास्फोडाइस्टरेज इंक्रीज होता है, कैल्शियम का लेवल इंक्रीज होता है, और साइक्लिक एम्प की एक्टिविटी भी इंक्रीज होती है, और ये जो कॉम्प्लेक्स था ये यहाँ पर एक्टिवेटेड कंडीशन में आ जाता है, ठीक है। तो एडीपी यहाँ पे अटैच हो गया, थ्रोम्बोक्सिन जो है वो भी अटैच हुआ, एंड यहाँ पर इस तरह से कॉम्प्लेक्स पूरा एक्टिवेट हो गया, ओके। आगे आते हैं स्टेप फोर की तरफ। तो स्टेप फोर में प्लेटलेट एक्टिवेटेड टू अलाउ द फाइब्रिनोजन बाइंडिंग, ठीक है। टिश्यू डैमेज से जो फाइब्रिन निकला, फाइब्रिन था, ये फाइब्रिन क्या होगा, इस एक्टिवेटेड जो जीपी 2B और 3A था इसके साथ में यहाँ बाइंड हो जाएगा, और यहाँ पर क्रॉस लिंकिंग करने लगेगा, ठीक है। तो एक लिंक यहाँ पर हमारे पास में आ गई, जिसको हमने कहा फाइब्रिनोजन। स्टेप फाइव के अंदर यहीं पर ये जो फाइब्रिनोजन है ये दूसरे प्लेटलेट के साथ में यहाँ पर अटैच होगा, इस तरह से क्रॉस लिंकिंग यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। जैसे ही क्रॉस लिंकिंग स्टार्ट होगी, प्लेटलेट का एग्रीगेशन चालू हो जाएगा। और हमने पहले ही कहा था कि जो हमारा क्लॉटिंग होती है, तो उस क्लॉटिंग में क्या होता है, प्लेटलेट होता है और फाइब्रिन होता है। तो यहाँ आप देख रहे हो ये फाइब्रिन का क्रॉस लिंकिंग है, और इसी में ही आके और भी प्लेटलेट ट्रैप होती है और आरबीसी ट्रैप होती है, जिसके बाद में क्लॉटिंग हो जाती है और ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है।
गाइस ये था इसका प्लेटलेट का एक्टिवेशन, कैसे प्लेटलेट एक्टिवेट होती है और कैसे वर्क करती है। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी क्लासिफिकेशन ऑफ द एंटी प्लेटलेट ड्रग्स। ऐसी कौन सी ड्रग है जो कि प्लेटलेट के एक्शन को अपोज करती है, उसका एंटेगोनिस्टिक काम करती है। ओके तो सबसे इसमें जो पहले आती है दैट इज कॉल्ड एस्पिरिन। ठीक है, एस्पिरिन जो है ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ड्रग है। सेकेंड है डाइपायरिडामोल, इसके बाद में आता है P2Y12 रिसेप्टर ब्लॉकर्स। ओके प्लेटलेट के ऊपर P2Y12 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, जिसमें जो एंटागोनिस्टिक ड्रग है दैट इज डिक्लोपिडिन, क्लोपिडोग्रेल एंड प्रासुग्रेल। इसके अलावा GP2nd भी और थर्ड ए रिसेप्टर जो ब्लॉकर है या इनके जो एंटागोनिस्ट है दैट इज द एप्सीमैब, एप्टीपेबाटिब एंड टिप्रोफिबेन। ये ड्रग्स हैं जो कि इस रिसेप्टर की एंटागोनिस्ट की तरह काम करती है। ओके तो गाइस चलिए मूव करते हैं हमारे पहले ड्रग की तरफ जिसका नाम है एस्पिरिन। तो एस्पिरिन बहुत कॉमन टर्म है और हमने पहले भी इसको पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स की कैटेगरी आती है ये। ठीक है, और इसको हम एस्टाइल सैलिसिलिक एसिड भी कहते हैं। राइट, नॉर्मली जब भी हमें दर्द होता है या इन्फ्लेमेशन होता है या कहीं सूजन होती है या फीवर होता है तो हम जाके मेडिकल स्टोर से ये ड्रग ले लेते हैं। ठीक है, तो सिंपल OTC मेडिसिन है जिसका नाम है एस्पिरिन। अब एस्पिरिन जो है ये भी यहाँ पर यूज़ हो रही है एज एंटी प्लेटलेट ड्रग के फॉर्म में, इसके डोजेस अलग होते हैं। मैकेनिज्म की यदि बात करें तो मैकेनिज्म में एस्टाइल सैलिसिलिक एसिड या एस्पिरिन जो होता है ये साइक्लोऑक्सीजिनेज 1 और थ्रोम्बोक्सिन सिंथेज इन एंजाइम्स को ये इनहिबिट करता है। ठीक है, कौन कौन से एंजाइम हो गए, साइक्लोऑक्सीजिनेज, यहाँ पे जो COX-1 आपको दिखाई दे रहा है दिस इज, एंड थ्रोम्बोक्सिन सिंथेज, ये दो एंजाइम ऐसे हैं जिसको ये इनहिबिट करता है और अपनी आगे प्रोसेस या मैकेनिज्म शो करता है। अब बात करते हैं कि जो COX-1 और थ्रोम्बोक्सिन सिंथेज है इनके इनहिबिट होने की वजह से क्या होगा। थ्रोम्बोक्सिन सिंथेज इनहिबिट होता है तो थ्रोम्बोक्सिन सिंथेसिस जो है वो इनहिबिटेड हो जाती है। राइट, और इससे जो प्लेटलेट एग्रीगेशन होता है वो इनहिबिट हो जाता है। राइट, क्योंकि प्लेटलेट के अंदर एग्रीगेशन के लिए या प्लेटलेट के कंपोनेंट के फॉर्म में जो थ्रोम्बोक्सिन है वो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है, यदि वही नहीं होगा तो यहाँ प्लेटलेट भी एग्रीगेट नहीं होगी, इसलिए इसका एग्रीगेशन जो है वो इनहिबिशन हो जाएगा। राइट, तो इस तरह से एस्पिरिन जो है वर्क करती है। इसके अलावा एस्पिरिन जो है ये इनहिबिट करती है रिलीज ऑफ ADP फ्रॉम द प्लेटलेट्स। हमने ऊपर मैकेनिज्म देखी थी ऑलरेडी। ओके, यदि ADP प्लेटलेट से रिलीज नहीं होगा तो प्लेटलेट एक दूसरे के ऊपर स्टिक नहीं होगी, मतलब उसकी प्लेटलेट की क्लंपिंग नहीं होगी और प्लेटलेट एक जगह जमा नहीं होगी। ठीक है, इस तरह से इसका एक्शन आता है एंटी प्लेटलेट का। ओके, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि लिखा हुआ इनहिबिट द स्टिकिंग ऑफ प्लेटलेट्स, क्यों, क्योंकि यहाँ ADP नहीं है। तो एस्पिरिन ने दोनों काम कर दिए, पहला है थ्रोम्बोक्सिन सिंथेस को इनहिबिट कर दिया, दूसरा ADP को इनहिबिट कर दिया, ADP को वहाँ से रिलीज नहीं होने दिया, और जब तक रिलीज नहीं होगा तब तक ये स्टिक आउट नहीं करेगी। ओके, नाउ एट लो डोज एस्पिरिन इनहिबिट द थ्रोम्बोक्सिन E2 सिंथेसिस एंड एट हाई डोज ये दोनों को इनहिबिट करती है, दैट इज थ्रोम्बोक्सिन एंड प्रोस्टासाइक्लिन या PGI2 सिंथेसिस। ठीक है, तो नॉर्मली लो डोज पे ही काम चल जाता है बिकॉज हमें यहाँ मेजरली क्या चाहिए, थ्रोम्बोक्सिन E2 सिंथेसिस का इनहिबिशन चाहिए, और हाई डोज पे दोनों का ही प्रोस्टासाइक्लिन भी इसमें इंक्लूड हो जाता है। राइट, चलते हैं आगे। सेकेंड ड्रग है डाइपायरिडामोल। राइट, डाइपायरिडामोल जो है ये फास्फोडाइस्टरेज इनहिबिटर है। ओके, फास्फोडाइस्टरेज PDE। ओके, ये ऐसे लगा है, मतलब ये भी क्या कर रही होगी, एंजाइम को इनहिबिट कर रही होगी। कौन सा एंजाइम, फास्फोडाइस्टरेज एंजाइम। ओके, यूज कहाँ करते हैं इसका, पोस्ट ऑपरेटिव थ्रोम्बो एम्बोलिक इवेंट, ऑपरेशन के बाद जब ऑपरेशन हो जाता है इसके बाद कहीं भी वेन के अंदर थ्रोम्बस जमा ना हो, इसलिए हम इस ड्रग का यूज करते हैं डाइपायरिडामोल का। ओके, इट इज अ नॉन नाइट्रेट कोरोनरी वैसोडाइलेटर। अब नॉर्मली देखा जाए तो क्या है ये, कोरोनरी वैसोडाइलेटर है, वो भी नॉन नाइट्रेट। तो जनरली जो वैसोडाइलेटर्स होते हैं उनमें नाइट्रेट का यूज किया जाता है, बट ये कैसी है, नॉन नाइट्रेट है। तो डाइपायरिडामोल इज अ नॉन नाइट्रेट कोरोनरी वैसोडाइलेटर्स। राइट, चलते हैं इसके मैकेनिज्म की तरफ। पहला मैकेनिज्म कहता है इट ब्लॉक एंड इनहिबिट द फास्फोडाइस्टरेज
सेकेंड है, इट ब्लॉक द अपटेक ऑफ द एडिनोसिन। एडिनोसिन को ये ब्लॉक कर देता है, उसके अपटेक को ब्लॉक कर देता है ताकि प्लेटलेट में साइक्लिक एमपी का लेवल जो है वो इंक्रीज हो पाए। इसकी वजह से प्रोस्टासाइक्लिन ओके ये पोटेंशिएट होता है एंड इंटरफेयर विद एग्रीगेशन। अब प्रोस्टासाइक्लिन यहाँ क्या करेगा कि जो एग्रीगेशन होता है प्लेटलेट्स का उसको एग्रीगेट आउट नहीं होने देगा, ठीक है। तो साइक्लिक एमपी इंक्रीज हुआ, साइक्लिक एमपी ने प्रोस्टासाइक्लिन इंक्रीज किया और इसकी वजह से एग्रीगेशन यहाँ पे अफेक्ट होने वाला है, ठीक है। तो उस तरह से एडिनोसिन जो है वो अपनी मैकेनिज्म शो करता है। सो डाइपैरेटामोल यहाँ पर क्या फंक्शन कर रहा है, पहला ब्लॉक या इनिबिट द फॉस्फोडाइस्टरेज 1, और सेकंड क्या कर रहा है, एडिनोसिन को इनिबिट कर रहा है, ओके। आगे चलते हैं, यदि इसको अकेले दिए जाए अलोन, इट हैज अ लिटिल सिग्निफिकेंट बट इम्प्रूव्ड विद वॉरफेरिन। अब इसको यदि अकेला यदि हम देते हैं तो उसका इफेक्ट उतना ज़्यादा नहीं आता है, बट यदि वॉरफेरिन के साथ में देते हैं तो वॉरफेरिन के साथ में इसका एक्शन और ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू इन्हेंस द एंटी प्लेटलेट एक्शन ऑफ एस्पिरिन। एस्पिरिन की एंटी प्लेटलेट एक्शन को बढ़ाने में भी ये हेल्प करता है, ठीक है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये यहाँ पर सिनर्जिस्टिक इफेक्ट भी शो करता है कि एस्पिरिन के इफेक्ट को और बढ़ाएगा एज एंटी प्लेटलेट, ओके। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके समरी की, मतलब जो एंटी प्लेटलेट ड्रग्स हैं इनकी कौन कौन सी मैकेनिज्म होती है समरी फॉर्म में, ओके। तो सबसे पहले क्या होता है कि जहाँ पे प्लेक प्रेजेंट होता है, ठीक है, यदि प्लेक को आप देखोगे तोड़ के तो उसमें क्या निकलेगा, कोलेजन और VWF, दैट इज द वॉन विलब्रेंड फैक्टर फॉर द प्लेटलेट एडिशन, ठीक है। अब यहाँ समझते हैं पहले एक नॉर्मल प्रोसेस क्या होती है, उसके बाद हम देखेंगे ड्रग कहाँ पे वर्क कर रही है, ओके। अब कोलेजन की बात करें या VWF की बात करें, दोनों ही यहाँ पर प्लेटलेट एडिशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, मतलब इन्होंने क्या किया है, एक नेट बना दिया है, ठीक है। अब इस नेट के ऊपर, एक जाली के ऊपर अब प्लेटलेट आके इकट्ठी होगी, ओके। कौन इकट्ठी करवाएगा, उसके लिए ये पूरी प्रोसेस है, राइट। इनकी वजह से कॉक्स वन एंजाइम जो है वो क्या बनाता है, थ्रोम्बोक्सिन A2 को एक्टिवेट करता है। साइक्लोऑक्सीजन के प्रेजेंस में थ्रोम्बोक्सिन A2 एक्टिवेट होगा। ये थ्रोम्बोक्सिन A2 जो है ये प्लेटलेट एक्टिवेशन करता है, कैसे करेगा, GP सेकेंडरी और थर्ड ए जो उसके ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं उसको एक्टिवेट करता है, और इसके एक्टिवेशन की वजह से प्लेटलेट एग्रीगेट होना शुरू हो जाती है, ट्रैप होना शुरू हो जाती है और प्लेक फॉर्मेशन होता है। तो ये नॉर्मल है हमारा, ठीक है। अब हमें ड्रग कौन से देनी, एंटी प्लेटलेट्स, राइट। एंटी प्लेटलेट ड्रग में हम यहाँ देखते हैं, पहले ड्रग हमने देखी थी एस्पिरिन। एस्पिरिन का जो मैकेनिज्म बहुत सिंपल है, कॉक्स वन को इनहिबिट करना। तो यहाँ पे ये कॉक्स वन एंजाइम को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से पूरी जो प्रोसेस होती है नीचे की बंद हो जाती है और यहाँ पर क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होता, ठीक है। सेकेंड, यहाँ पे आप देख रहे हो ADP, हमने एक ADP का भी फॉर्म पढ़ा हुआ था, है ना। तो ये ADP जो है इसको आगे बढ़ने से रोकता है, ADP को रिलीज होने से रोकता है, और जब तक ADP रिलीज नहीं होगा आगे की तरफ प्लेटलेट स्टिक नहीं होगी। तो ये काम कौन करता है, टिक्लोपिडिन और क्लोपिडोग्रेल, है ना। ये दो ड्रग है, हमें क्लासिफिकेशन में देखी है। तो टिक्लोपिडिन एंड क्लोपिडोग्रेल जो है वो ADP को आगे मतलब बाहर नहीं निकलने देता, ठीक है। नाउ थर्ड है जो ये एक्टिवेशन रिसेप्टर्स हैं जिनके एक्टिवेट होने के बाद ही प्लेटलेट एग्रीगेशन होगा, तो उसके एक्टिवेशन को रोकता है कौन, एफसीजीमिप, एप्टीफिबाटिट और टीरोफिबेन। ये ड्रग्स जो होती है इसके एक्टिवेशन को रोकती है, जिसकी वजह से प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं होता, ओके। सो गाइस, ये इसकी एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है पूरी ड्रग की, एक साथ समरी फॉर्म में आपको ईजी रहेगा याद करने के लिए भी, और जो इसमें इंपॉर्टेंट मेडिसिन थी हमने यहाँ पे इसको डिस्कस किया है, ओके। सो गाइस, होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।